please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में ITBP यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कुछ जवान आंखें बंद कर और हाथ जोड़कर एक नदी में खड़े हो गए। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जवानों ने भी कई जगहों पर अलग अलग तरीके से योग किया, जिसका एक अनोखा नजारा अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर में दिखा, जहां दिगारू नदी में पानी के तेज बहाव के बीच खड़े होकर जवानों ने योग किया। ITBP के जवानों ने नदी में खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया। वहीं जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ITBP के जवानों ने लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच योग साधना की। योग करते समय ITBP के जवानों के चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर दिखी। जवानों ने लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में कई तरह के योग आसन कर आम लोगों को संदेश देने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास में भी ITBP के जवान चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए। वहाँ 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर तैनात जवानों ने योग का अभ्यास किया। ITBP के जवानों के साथ ही नौसेना के जवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको फिट रहने का संदेश दिया। मुंबई में नौसेना के जवानों ने रिटायर किए जा चुके जहाज INS विराट पर योग किया, जिसमें नौसेना के पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले भी शामिल हुए। INS विराट के डेक पर आयोजित हुए इस योग शिविर में लगभग 1100 नौसैनिकों ने हिस्सा लिया और योग के अलग अलग आसन किए। ये पहला मौका था जब रिटायर होने के बाद किसी जहाज के डेक पर इस तरह से योग का कार्यक्रम किया गया। चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सियाचिन ग्लेशियर में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वसुदेव ने सेना के जवानों को योग करवाया। इस दौरान सेना के जवान योग की अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास करते दिखे। समुद्र तट से 18,800 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सियाचिन ग्लेशियर पर लगभग 500 से ज्यादा सैनिकों के साथ सदगुरु जग्गी वसुदेव ने योग किया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक आदमी एक शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल पर फायरिंग करने लगा। ये आदमी तीसरी मंजिल पर बने फर्नीचर गोदाम में लगी आग को बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद कर रहा था, इसलिए उसने गोदाम के बाहरी हिस्से पर लगे शीशे को तोड़ने के लिए गोलियां चलाई, लेकिन फायरिंग का असर नहीं हुआ, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने पत्थर फेंक कर शीशा तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि गोदाम तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह आग की चपेट में आ चुका था। इस बीच गोदाम में लगी आग से काले धुएं का गुबार उठने लगा। हालात को बेकाबू होता देख फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी सीढ़ियों की मदद से शीशे तक पहुंचा और हथौड़े से उसे तोड़ दिया। जो ये फर्नीचर का काम होता है उसमें आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी अभी तक आई है सर, धुआं काफी है वहाँ, उसकी वजह से जो फर्नीचर की वजह से वहाँ के अंदर नहीं जा पा रहा है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जबकि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में फर्नीचर गोदाम के अलावा एक रेस्टोरेंट को भी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ पुलिस वाले एक आदमी को पीटने लगे। वहां पुलिस और यात्रियों के बीच नो एंट्री जोन में जाने पर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस वालों ने यात्रियों को जमकर पीटा। इस बीच वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पिटाई का वीडियो मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें पुलिस वाले जोर जोर से चिल्ला रहे एक आदमी को लाठियों और लातों से पीटते दिखे। वहीं कुछ महिलाओं ने भी पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस वालों ने कतार में खड़ी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। पुलिस वालों का आरोप है कि कुछ लोग नो एंट्री जोन में घुसने की जिद पर अड़े थे, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और उन्हें हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस पर आरोप है कि पिटाई के बाद पीड़ितों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की इस हरकत से वहां मौजूद लोग भी भड़क गए और जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने आरोप लगाया कि मामूली बात पर पुलिस ने हत्या जैसी संगीन धाराएं लगाकर 2 पुरुष और 2 महिलाओं को जेल भेज दिया। वहीं यात्रियों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच का भरोसा दिया। तो इसकी जांच CO सिटी को दे दी गई है और उन्हें कहा गया है कि इसे जल्दी से जल्दी तथ्यों के आधार पर करते हुए इसको जांच को कंप्लीट करें। हालांकि पुलिस ने पीड़ित लोगों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भी आरोप लगाया। अमेरिका में अटलांटा के एक ट्रैफिक सिग्नल पर तेज रफ्तार से आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार फ्लाईओवर के किनारे लगी लोहे की जाली से टकराया और उसे फाड़ते हुए नीचे जा गिरा। उस वक्त वहां एक कार सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार कर रही थी, जिसके डैशबोर्ड लगे कैमरे में मोटरसाइकिल सवार के लोहे की जाली से टकराने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। इस वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल पर सामने की ओर 2 कारें खड़ी दिखी। इसी बीच वहां एक कार आई और बाईं ओर मुड़ गई, तभी उसके पीछे आ रहा एक मोटरसाइकिल सवार सीधा फ्लाईओवर के किनारे बने फुटपाथ से टकराते हुए लोहे की जाली से भिड़ गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो लोहे की जाली को पकड़ता हुआ नीचे जा गिरा। इस हादसे के समय उसकी बाइक वहीं फुटपाथ पर रह गई और जाली के उस पार गिरे बाइक सवार को देखने लगे। बताया गया कि इस हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोट आई।
गुजरात के सूरत में एक आदमी का सिर मुंडवा कर उसके आधे चेहरे पर कालिक पोत दी गई। आरोप है कि लोगों ने तीन चोरों को वहां चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद भीड़ ने पहले तीनों चोरों की जमकर पिटाई की और फिर जबरन उनका सिर मुंडवा कर उनके चेहरे पर कालिक लगा दी गई। लोगों का आरोप है कि लंबे समय से वहां चोरियां हो रही थी, जिसके बाद लोगों ने खुद ही पहरेदारी करना शुरू कर दिया। इस दौरान चोर उनके हत्थे चढ़ गए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को विकास विरोधी बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर विकास के सभी कामों को किसी न किसी बहाने से रोकने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई घटनाओं के विरोध में अलगाववादियों के श्रीनगर बंद के समय दुकान और गाड़ियों की सेवा बंद रही। सीएम केजरीवाल ने राजधानी में पानी से जुड़ी समस्याओं के जल्द निपटारे के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर हर रोज रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। रोहित शर्मा ने टीम में शामिल होने के लिए यो-यो टेस्ट को पास करने के बाद आलोचकों पर निशाना साधा कि अगर वो नियमों का पालन करते हैं तो वो अपना समय कहां और कैसे बिताएं, इस पर किसी को दखल देने का हक नहीं होना चाहिए। फुटबॉल विश्व कप में अच्छी शुरुआत न करने वाले अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लायनेल मेसी के लिए क्रोएशिया के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले उनकी पत्नी ने अपने पूरे परिवार की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इंग्लैंड की क्रिकेट पुरुष टीम के बाद अब इंग्लैंड की महिला टीम ने टी20 ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट पर 250 रन बनाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और दिलचस्प बात यह है कि महज 5 घंटे के अंदर ही उन्होंने न्यूजीलैंड की ओर से इसी मैदान पर बनाए गए 216 रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया।